नमस्कार, आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मेरे वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी और आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल पा रहे होंगे। आगे भी अगर आपको रेकी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या किसी भी चीज की आपको क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेरीज का आंसर कर पाऊं और उसी टॉपिक पर अगर हो सका तो मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई कर अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाए। इससे आपका कर्मा तो पॉजिटिव होगा ही, आपका कार्मिक अकाउंट बेटर होता चला जाएगा, इसी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्मूथ होती जाएगी। जब आप किसी की भलाई का कारण बनते हैं, किसी की सफरिंग्स को हील करने का पार्ट बनते हैं, तो अपने आप ही आपका एनर्जी का फ्लो मल्टीप्लाई हो जाता है मल्टीपल लेवल्स पे। सो आज हम बात कर रहे हैं करुणा रेकी की। ये करुणा रेकी क्या है? बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, लेवल 1, 2, 3 के बाद पूछते हैं करुणा रेकी क्या है। करुणा का मतलब, करुणा एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब है कंपैशन, दया। करुणा को क्लियर करने से पहले, हर इंसान में, छोटे से बच्चे से लेके 60-70 साल के ओल्ड पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लव। प्यार अगर आप अपनी लाइफ में पा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है, यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इससे बढ़ के कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा ही है बहुत से लोगों के साथ है। इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत से लोगों की काउंसलिंग की है, उनसे मिली हूँ, उनकी लाइफ के बारे में जाना है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना है। तो लव सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है लोगों की। जानते हैं लव से भी ऊपर क्या है? लव से ऊपर है करुणा। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि लव से बढ़कर किसी को कुछ लगा ही नहीं है आज तक, तो करुणा कैसे लव से ऊपर हो सकती है, आइए बात करते हैं। प्रेम में अगर नेगेटिव इमोशंस आ जाएं तो करुणा ही उसे खत्म करती है। प्रेम में अगर बलिदान है तो करुणा ही उसका कारण होती है। प्रेम में अगर आप किसी को आप माफ कर पाते हैं तो करुणा ही उसका रीजन होता है। करुणा खुद को खुद से ऊपर ले जाती है, इसीलिए रेकी में इसको नाम दिया गया है करुणा रेकी। करुणा के भाव से ही आप ब्रह्मांड का भला सोच पाते हैं, करुणा के भाव से ही आप सबका भला सोच पाते हैं, सोसाइटी का भला सोच पाते हैं। निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करने की आप जज्बा रखते हैं। हो सकता है आपने कभी ये सुना हो कि दैट लव इज ऑल अबाउट गिविंग। सो लव में अगर करुणा है तभी लव सिर्फ गिविंग हो सकता है। अब बात करते हैं कि करुणा रेकी का पर्पस क्या है। करुणा रेकी का पर्पस है कि सफरिंग्स को एंड करना, अपनी भी और दूसरों की भी, अपनी और दूसरों की सफरिंग्स को एक साथ खत्म करना। ऐसा आप कब कर पाएंगे? तो जब आप एनलाइटन हो जाते हैं तो आपको खुद में और दूसरों में कोई फर्क नहीं नजर आता, आप सबको एक समान मानते हैं। दूसरों का दुख आपको खुद का दुख लगता है, जिससे आप दिल से हीलिंग करते हैं। इसीलिए करुणामय भाव से किसी को हील करना ही करुणा रेकी है। जब आप करुणामय भाव से सबको एक समानता से हीलिंग्स भेजते हैं, वो आपके करुणामय भाव का ही एक पार्ट है। अब इस पृथ्वी पर कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, टेररिज्म से रिलेटेड इशू है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इशू है, अगर कुछ करुणा रेकी के हीलर्स मिलकर उसके लिए हीलिंग करें तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। मैं अपनी लेवल 2 की क्लास में एक मेडिटेशन कराती हूँ विदाउट एनी सिंबल्स, तो उसमें भी हम इसको कवर करते हैं कि कैसे हम पूरे यूनिवर्स को रेकी दे रहे हैं, इसी तरह से हम पूरे प्लैनेट को भी हील कर सकते हैं। अब जब हम प्लैनेट को हील करते हैं तो ऑटोमेटिकली द मोर यू गिव मोर यू रिसीव। ऐसे में क्या होता है कि यू बिकम मोर रिसेप्टिव, आपका क्राउन चक्रा का मैग्नेटिज्म इतना पावरफुल हो जाता है कि देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर एनर्जीज।
अब इतनी एनर्जी जब आप रिसेप्टिव हो जाते हो एनर्जीज को लेने के लिए, उतनी ही एनर्जी आपके थ्रू फ्लो भी हो पाती है। यही सिर्फ करुणा में भाव से किसी को हीलिंग देते जाइए, अपने आप ही आपका एनर्जी लेवल मल्टीप्लाई होता जाएगा, आप डे बाय डे और पावरफुल होते जाएंगे, आपकी हीलिंग्स भी और पावरफुल होती चली जाएंगी। एक बार इसे प्लीज करके देखिए। अब करुणा रेखी को सीखना कैसे है और करुणा रेखी में हम और क्या क्या सीखते हैं? जैसे फर्स्ट लेवल में हम सेल्फ हीलिंग सीखते हैं, सेकेंड लेवल में हम तीन सिंबल सीखते हैं। सिंबल नंबर चोकुरे सेहेकी होंछा देशुन है। चोकुरे पावर सिंबल है, सेहेकी बैलेंसिंग सिंबल है, होंछा देशुन है कनेक्टिंग सिंबल है। डाइकोम्यू मास्टर सिंबल है जो हायर पावर्स के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से करुणा रेखी में पर्टिकुलर चीजों के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल करुणा रेखी में एक सिंबल है जोनार। जोनार आपके पास्ट लाइफ कर्मास की नेगेटिविटीज को हील करने के लिए यूज होता है, यानी कि आप उसे अपनी कार्मिक हीलिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही करुणा रेखी में पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर सिंबल है। अगर आप घर की सुख शांति बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शांति सिंबल है। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करना चाहते हैं उसके लिए भी एक अलग सिंबल है। और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग सिंबल है, जिससे आपकी साइकिक पावर्स इंप्रूव हो जाएंगी और स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर पाएंगे। इसी तरह से हम करुणा रेखी में अप्रॉक्सीमेटली 8-15 सिंबल्स तक हम सिखाते हैं। कुछ सिंबल्स की वीडियोस भी आप आगे आने वाली वीडियोस में देख पाएंगे और इनको यूज कैसे करना है वो भी सीख पाएंगे। करुणा रेखी पिछले 20 से 25 सालों से जो है वो यूज हो रही है। इसके सिंबल्स बहुत पावरफुल है। जब आप यूज करेंगे तो आप एनलाइटन फील करेंगे। एनलाइटन फील करेंगे तो आप करुणा में भाव से हर एक को हीलिंग्स दे पाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ होती चली जाएगी और इस तरह से आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को हील कर पाएंगे और इस पूरे प्लैनेट तक को हीलिंग्स आप दे पाएंगे। एंड यू विल फील मोर ग्राउंडेड कनेक्टेड टू योर रूट्स। आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।